नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे धातु और धातु के भेद। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती है उन्हें धातु कहते हैं। धातु को ही क्रिया धातु भी कहा जाता है। धातु कौन कौन से है देखो, लिख, पढ़, हंस, बोल, देख, आ, खा, गा, जा आदि धातु से क्रिया के अनेक रूप बनते हैं। जैसे लिख से लिखा, लिखता, लिखना, लिखाना, लिखिए, लिखो। इनमें लिख ऐसा धातु है जो सभी में मिल रहा है। इस समान रूप से मिलने वाले अंश को धातु या क्रिया धातु कहते हैं। धातु के भेद। व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के सात भेद हैं। उसमें मूल धातु, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। धातु का पहला भेद है मूल धातु। जो धातु किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, गा, जा, पढ़, लिख, देख आदि। यह धातु कोई भी शब्द पर आश्रित नहीं है बल्कि स्वतंत्र है, इसीलिए यह धातु मूल धातु है। धातु का दूसरा भेद है सामान्य धातु। जिस धातु में ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे खाना, गाना, जाना, पढ़ना, लिखना, देखना। इनमें खा, गा, जा, पढ़, लिख, देख इस मूल धातु को ना यह प्रत्यय जोड़कर सामान्य धातु बनाए गए हैं। धातु का तीसरा भेद है व्युत्पन्न धातु। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किया जाता है उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, करवाना, सुलवाना, बनवाना। इन व्युत्पन्न धातु में पढ़, लिख, दिख, कर, सुल, बन इस मूल धातु में वाना यह प्रत्यय लगाया गया है। धातु का चौथा भेद है यौगिक धातु। जो धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है उसे यौगिक धातु कहते हैं। जैसे पढ़ा, लिखा, सुना, दिला, जीता। यहाँ पर पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा, सुनना से सुना, दिलाना से दिला, जीतना से जीता यह यौगिक धातु बने हैं। धातु का पांचवा भेद है नाम धातु। जो धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर बनती है। जैसे बतियाना, अपनाना, गरमाना। यहाँ पर बात इस संज्ञा को याना यह प्रत्यय लगाने से बतियाना यह नाम धातु बना है। अपना इस सर्वनाम को ना यह प्रत्यय लगाने से अपनाना यह नाम धातु बना है और गर्म इस विशेषण को आना यह प्रत्यय लगाने से गर्माना यह नाम धातु बना है।
धातु का छठवां भेद है मिश्र धातु, जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, होना, देना, लेना, जाना, आना आदि क्रिया के प्रयोग से जो नई क्रिया धातुएं बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे करना, काम करना, देना, उधार देना, जाना, सो जाना, होना, काम होना, लेना, जान लेना, आना, याद आना। इन मिश्र धातु में काम, उधार, सो, काम, जान, याद, यह क्रिया विशेषण शब्द है और करना, देना, जाना, होना, लेना, आना यह क्रिया के प्रयोग से काम करना, उधार देना, सो जाना, काम होना, जान लेना, याद आना यह नई क्रिया धातुएं बनी है। धातु का सातवां भेद है अनुकरणात्मक धातु। जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती है उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे चटकना, पटकना, खटकना, टनटनाना। धन्यवाद।